हे गाइस, आज वीडियो पे दूसरी आवाज़ है क्योंकि जिनकी आवाज़ है उनका गला ख़राब हो चुका है। ओके, तो आज के दिन की शुरुआत हुई ब्रेकफास्ट से। देख तो बहुत यमी यमी रहा है, हम मुंह उठा के जा चुके हैं ब्रेकफास्ट करने, और जूस भी है वहाँ पे जो मैंने भर के ले लिया है, जैसे कभी देखा ना। ओके, नेक्स्ट। सो गाइज, राइट नाउ इट्स अबाउट 10 AM ish. ओके वेट, आई थिंक आई शुड स्विच ऑन अ फ्यू लाइट्स फर्स्ट. या दैट्स बेटर. सो इट्स अराउंड 10 AM एंड आई रियली डोंट नो व्हाट आर वी एक्चुअली गोना डू टुडे. सो लेट्स जस्ट गेट रेडी एंड देन वील फिगर आउट व्हाट आर वी गोइंग टू डू एंड व्हाट आर वी नॉट गोइंग टू डू. ओके, दिस इज द आउटफिट ऑफ द डे। बताए कैसी है, ठंड पड़ रही है तो और लेयर्स आएंगे, तो हर कुछ उस पहन लिया हमने। ओके, तो अब हम शॉपिंग करने आ चुके हैं मॉल रोड पे, बस देख ही रहे हैं, ख़रीदा कुछ नहीं है। टाइम पास के लिए बहुत कुछ है एक्चुअली यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट। वाओ, इतना हमने सुंदर सा नज़ारा, हेवन। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। कहाँ है हमारी मंजिल? गाने तो बजने ही चाहिए, घर वाले डिसाइड कर रहे कौन गाना बजाएगा कौन नहीं। तब तक हमने एक्टिविटीज़ के लिए जाने का सोचा है, वैसे हम जा कर रहे हैं वो भी आगे पता चल जाएगा। मनाली आए हैं इतनी सुंदर डेस्टिनेशन पे और कुछ एक्टिविटीज़ ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो हम जा रहे हैं सुनान वैली बहुत सारे एक्टिविटीज़ करने के लिए। सबने कर लिया अपना अपना इंतज़ाम, बोरिया बिस्तर पैक कर चुके हैं, देखते वहाँ जाए क्या होता है। ओके, कार से निकलते ही बहुत ही सुंदर सुंदर बर्फ़ गिर चुकी है। बाय द वे, हमारे साथ एक स्कैम हो गया था, वो अभी कुछ टाइम में पता चलेगा। भाई, हमारे साथ इतना बड़ा स्कैम हो चुका है अभी फिलहाल। हम यहाँ पे ऊपर आए हैं सोलांग वैली पे कि थोड़ी एक्टिविटीज करेंगे, और यहाँ पे इतनी ज्यादा स्नोफॉल हो चुकी है कि पुलिस पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट बैक कर रही है। अब कोई आइडिया नहीं हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा स्नोफॉल हो रही है भाई, लेकिन वर्थ एक्सपीरियंस है, वर्थ। जितनी ठंड है बट इट्स अ वर्थ एक्सपीरियंस। गाइज, ये देखो स्नोबॉल कैसे बनाते हैं, हमने तो ग्लव्स नहीं पहने। अरे अरे, थोड़ा मत स्नोबॉल फेंको फेंको, दिखाओ पहले दिखाओ फेंको। भाई साहब, भाई देख लो, इतनी ज्यादा स्नोफॉल हो गई कि पूरा ट्रैफिक पुलिस ने डाइवर्ट कर दिया है, सब वापस जा रहे हैं। चलो हम तो फिर भी रिस्क लेके थोड़ा सा रुक गए कि वीडियो बनानी है। तो गाइज, अभी सिनेरियो ऐसा सा हो रखा है कि हमें लग रहा है कि बर्फ रुक रही है। हो सकता है हम रुक जाए, हो सकता है हम ना रुके। देखो, बात तो ये रिस्क वाली है, अब लेट्स सी क्या होता है। आप बताओ, आप क्या ओपिनियन है आपका? मैडम, इतने पैसे खर्च किए हैं तो कुछ तो करके ही जाएंगे, ऐसे तो नहीं जाएंगे। छोड़ा तुम्हारा ऐसे नहीं छोड़ेगा। आप बताओ, आप क्या विचार है आपके? हमारा विचार तो ठंडे हैं इस टाइम पे, ठंड में ठंड हो गए हैं यार। रुक तो सारे रहे हैं यार, ऐसी बात नहीं है भाई। अब समझ आ रहा है क्यों सब लोग बोलते हैं कि सेफ्टी गियर्स लेके आ करो, क्योंकि देखो हम लोगों ने सब लिया, हम लोगों ने ग्लव्स लिए, हम लोगों ने सूट लिया, हम लोगों ने सब कुछ लिया, लेकिन हम लोगों ने सॉक्स नहीं ली। और अब मतलब हम इवन हम लोगों ने बूट्स भी लिए, और हम लोग बाहर निकल रहे हैं ना कि भाई यू नो कि जाए स्नो में, और हमारे फुट जम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर किसी ने पैर भी रख दिया ना, आधे में हमारे पैर टूट जाएंगे। तो भाई सर्दी तो है, इफ यू कमिंग कम प्रिपेयर्ड। इतनी ज्यादा हालत खराब हो चुकी है, इतना कोहरा, कुछ नहीं दिख रहा घर वालों को, इतनी बट चाहे कितनी भी ठंड हो, भुट्टा इज यूनिवर्सल, हर जगह होनी चाहिए। वेट वेट वेट, क्या मतलब मेरे चैनल को टेक ओवर कर लिया गया है?
कोई बात नहीं. एनीवेज तो उसके बाद हमने मॉल रोड घूमी एंड लेट्स कॉल इट अ डे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाई.